ओम शांति मेरा नाम रूमा बहन है और मैं 2003 में ज्ञान में आई और उसके बाद घर में ही रही और ज्ञान योग का अभ्यास करती थी घर में ही मुझे घर से छुट्टी नहीं मिलती थी और उसके बाद में मधुबन जाना हुआ ना मैं अपनी मम्मी पापा को कहा कि मेरे मधुबन जाना है फिर मधुबन गई पहले मैं आश्रम आती थी तो मुझे लगता था कि कोई शक्ति मुझे खींच रही है लेकिन मुझे ऐसे अंदर से एहसास नहीं होता था कि परमात्मा इस धरती पर आ चुके मुझे लगता था कि जब तक मैंने देखा नहीं है तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगी लेकिन जब मधुबन जाना हुआ मेरा और जब मधुबन पहुंची तो बाबा के वहाँ घर में और गेट के अंदर गई तो मुझे लगा कि मैं तो स्वर्ग में आ गई ना जैसे अलग सी दुनिया लगी मुझे और फिर उसके बाद वहाँ दो तीन दिन रहे हम उसके बाद बाबा मिलन था और बाबा मिलन में जब हम बाबा मिलन में बैठे तीन बजे बैठ जाते थे हॉल तीन बजे खुल जाता था और हम बैठ गए और हम मेडिटेशन हमने मेडिटेशन किया उसके बाद छ छ बजे के बाद जैसे भोग लगता है फिर बाबा आते हैं फिर जैसे बाबा के साथ मुझे मैंने बहुत प्रश्न थे मेरे मन में और जैसे मेरे प्रश्न मन में प्रश्न उठ रहे थे तो बाबा उन प्रश्नों का मुझे जवाब दे रहे थे और बाबा की जैसे शक्तिशाली किरणें मेरे पर पड़ रही थी मेरे ऊपर पर मुझे फिर मुझे संपूर्ण निश्चय हुआ कि सचमुच परमात्मा का इस धरती पर अवतरण हो चुका है और मुझे जो चाहिए था वो मुझे आज मिल गया ऐसा मेरे मन में मतलब पक्का हो गया कि भगवान है तो यहाँ ही है जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया आज उसके बाद जब हम घर यहाँ मंडी आए तो उसके बाद मैं घर गई और उसके बाद मैंने तो दृढ़ निश्चय कर ही लिया था कि मैं ब्रह्मा कुमारी जीवन ही जीऊंगी लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं मानते थे वो कहते थे कि आपको शादी करनी है और शादी करने को मैं मना करती थी तो फिर वो कहते थे कि आपको आश्रम नहीं जाना है घर में ही रहना है आपको शादी नहीं करनी है कोई बात नहीं लेकिन आपको घर में ही रहना है और फिर मैंने अपने मन में ठान लिए और फिर मैं आ गई ना आश्रम में सेंटर में आ गई और उसके बाद 2007 में आई मैं अठारह जनवरी को तो उसके बाद बाबा की सेवाएं दे रही है पहले पंडु में दे रही थी पहले मैं पुंडु में रहती थी ना उसके बाद तो फिर उसके बाद जंजे अली दीदी ने मुझे भेज दिया था फिर उसके बाद कुछ शरीर में प्रॉब्लम आई कुछ पेट में यू, यूट्रस में रसोई हो गई थी।, थी और उसके बाद ऐसे दवाइयाँ लेती थी तो मैं ठीक हो जाती थी और दवाइयाँ बंद कर फिर से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी उसके कारण मुझे ऑपरेशन की ऑपरेशन की नौबत आई डॉक्टर तो मना करते थे कि आपकी एज अभी कम है ऑपरेशन नहीं होगा लेकिन वो तो करना ही पड़ना था मुझे लेकिन ऑपरेशन से मुझे बहुत डर लगता था मुझे नाम सुनते ही मुझे बड़ा भाई डर होता था अंदर से ऑपरेशन का नाम सुनते ही बहुत मैं घबरा जाती थी तो इस तरह से जब डॉक्टर से डेट लेने जाती थी, एक ज्ञान में चलने वाली नर्स थी और वो बार बार डॉक्टर के पास ऑपरेशन की डेट लेने जाती थी तो डॉक्टर मना कर देते थे ऐसा करते करते कोई तीन चार हफ्ते हो गए ना तीन चार हफ्ते तक मैंने अपनी स्थिति को ऐसे मजबूत बना दिया ना बाबा को मैं याद करती थी बहुत <coughs> और मैं अश्लीरीपन का अभ्यास करती थी और समान का अभ्यास करती थी कि मैं आत्मनिर्भय हूँ ना इस तरह से जब हॉस्पिटल गए अब जिस दिन जाना था ऑपरेशन करने उस दिन मुझे कोई भय नहीं था और दीदी ने मुझे जाति बार जैसे तिलक लगाया और दीदी को आंसू आ रहे थे लेकिन मैं मेरे मतलब मुझे नहीं आ रहा था रोना जरा भी मुझे लग रहा था कि बाबा मेरे साथ है ना बाबा मेरे साथ है और जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा अगर मेरा शरीर भी छूटेगा तो बाबा की याद में छोड़ूंगी मेरा शरीर और इस तरह से जब ऑपरेश ऑपरेशन करने गए और वहाँ एडमिट हुए उसके बाद दूसरे दिन ऑपरेशन था ग्यारह बजे ऑपरेशन की मतलब मेरा टाइम आया और जब मैं ऑपरेशन थिएटर गई तो मुझे जरा भी डर नहीं था रिंचक मात्र भी और जब मैं ऑपरेशन थिएटर पहुंची तो जैसे लगा कि बाबा खड़े हैं ना बाबा खड़े हो गए जैसे वहां पे फिर जब ऑपरेशन हुआ तो मैं बिल्कुल अशीरी अवस्था में थी ना मुझे लगा कि बाबा ही मेरा ऑपरेशन कर रहा है और उसके बाद ऑपरेशन सक्सेस हो गया बहुत फिर फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रही ऑपरेशन के बाद में बिल्कुल ठीक हो गई इस तरह से और उसके बाद जैसे घर आई तो घर में भी फिर मतलब सभी ने बहुत प्यार से सेवा की मेरी है ना बहुत प्यार दिया ऐसे मतलब इस तरह से आज फिर मतलब अभी हम सेवा दे रहे हैं यहाँ पे मंडी में सेवा दे रहे मैं 2007 से है ना दो हजार बाईस बाईस लगाए अभी आज अभी मैं सेवा में यहाँ पे हूँ मंडी में इस तरह से मेरा अनुभव है ओम शांति